एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। तो ये है सुबह सुबह का वक्त, और सुबह के वक्त मैं 8 बजे का वक्त हो रहा है। मैं अपने बेटे तलहा को स्कूल छोड़कर आ चुकी हूँ, चाय वगैरह पीकर और थोड़ा सा किचन का काम करके मैं मशीन पे आ गई। तो सुबह का मेरा मॉर्निंग रूटीन यही होता है कि जो भी मेरी रात की पीसेस रहती है तो उसको मैं सुबह सिलती हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं कंपनी की ट्राउज़र पैंट, जींस पैंट सिलती हूँ। तो सुबह का वक्त ऐसा होता है कि बहुत सुकून भरा वक्त होता है, जिसमें सिलाई करना बड़ा अच्छा रहता है और उसमें कुछ सिलाई अच्छे से हो भी जाती है इत्मीनान से। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह की पीसेस होती है जो कंपनी से सिलने के लिए आती है, जिसकी मैंने अभी कटिंग छटिंग करके रखी हुई है। ये मैं दिखा रही हूँ, और भी पीसेस ऐसे रखी हुई है। तो एक पीस मैंने खोल कर उसकी जो भी उसमें कटिंग करना था, धागे वगैरह, वो सब मैंने कट करके रखा है और सारी प्रिपरेशन करके फिर मैं मशीन पे बैठूंगी। ये देखिए, जो रात में मैंने पैंट बनाई थी बिना बेल्ट की, तो अभी ये सारी पैंटें मैं जब बना के एक साथ उसमें बेल्ट लगाऊंगी तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये सुबह का वक्त है, देखिए हस्बैंड सो रहे हैं, तलहा स्कूल गए और मैं सिलाई करने जा रही थी। तो ये मैं आपको बाहर भी दिखा रही हूँ कि बाहर कैसे, तो मुंबई में तो सब लेट उठते हैं तो सबके दरवाजे अभी आपको बंद ही दिखते होंगे, जो उठा है वो भी घर में है। तो ये इस से रोशनी आ रही है और सबके दरवाजे बंद है। ये हमारी चाली है, हमारी बिल्डिंग की गली। तो इसमें देखिए, इस तरह से बारिश का मौसम है तो कैसे सबके कपड़े डली, और सबसे ज़्यादा कपड़े सूख रहे हैं मेरे। और ये है मेरा घर, तो मैं उठी हुई हूँ तो मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, नहीं तो मैं अगर सोती रहती तो मेरा भी दरवाज़ा बंद रहता है। और फिर ये देखिए, मैं सिलूँगी। तो मैंने ये सब अभी आपको बताया कि मैं पैंटें कंपनी की सिलती हूँ। तो ये रात का वक्त है, तो ये वीडियो मैंने अभी ऐड करी है ताकि आपको समझ में आ जाए देखकर। तो ये जो भी पैंटें मैं सिलती हूँ, तो ये सारी पैंटें अब मुझे भेजना है कारखाने के में। तो ये जाके वहाँ पर हेमिंग, प्रेसिंग और पैकिंग वगैरह होगी। तो ये सिली हुई पैंटे को मैं गिनती मार रही हूँ, फिर गिनती इसके काउंट करके इसको नोट डाउन करना रहेगा। तो ये रात का वक्त है, तो ये सब काम तभी मैं करती हूँ जब हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो वो मैं उनको गिनती मार के बता रही हूँ, क्योंकि अलग अलग 2-way 4-way रहता है और फिर वो नोट डाउन कर रहे हैं। तो ये भी मैंने थोड़ा ऐड कर दिया था। और ये जितनी पैंटें आप देख रहे हैं, ये मैं 10 दिन में सिल लेती थी, लेकिन जब से मैंने सिलाई बंद करके वापस से स्टार्ट की तो मुझे महीने भर लग गए सारी पैंटें बनाने में। तो बहुत कम धीरे धीरे मैं सिलने लगी थी, मेरी स्पीड कम हो गई थी, अब फिर वापस से मैं सिलना चालू करी हूँ। तो ये देखिए, अब ये मैं आपको फिर से की दिखा रही हूँ कि ये सुबह का वक्त है। मैं बाहर से थोड़ा घूम के आई, थोड़ा वो चाय पीने के बाद थोड़ा मैंने बाहर टहल के आया, कचरा विचरा आया था वो सब डाला, फिर वापस मैं बैठ गई सिलने के लिए। तो अभी 9:30 तक के तो मैं सिलती रहूँगी, जब सुबह से मैं अपने बेटे तलहा को स्कूल छोड़ के आके सिलाई करती रहती हूँ। सुबह सुबह का वक्त है तो इतनी टाइम बहुत अच्छा सिलाई होती है। तो ये देखिए, मैं बैक पॉकेट बना रही हूँ पैंट की, और जिसके लिए बोन मैंने इस तरह से मशीन में ही टांगा हुआ, क्योंकि एक कमरे का घर है तो बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करना पड़ता है। और जितना भी आपको ये पसारा लग रहा है, तो ये बहुत सुबह सुबह का अर्ली मॉर्निंग वीडियो है। तो सारी चीज़ें अभी मैं जैसे जैसे मेरा काम आगे बढ़ेगा फिर मैं साफ़ सफाई करूँगी, तो सारी चीज़ें आपको अभी फैली हुई लग रही है। तो ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैं सिलाई करती हूँ। तो मेरे पास जुग्गी मशीन है, जो कि ये ट्राउज़र पैंट सिर्फ उसी पे सिलाई होती है, और फिर मैं इस तरह से ये बैक पॉकेट बना रही हूँ। तो बैक पॉकेट बना सबसे मेन होता है ट्राउज़र पैंट में। तो इस तरह से मैंने अपने चैनल पे इसकी शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है कि किस तरह से मैं इसको सिलती हूँ। और फिर मैं बस अभी शॉर्टकट में आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि मैं इस तरह से बैग्स बना रही हूँ और फिर पैंट पूरी तैयार करूँ। तो मेरी सारी पैंटें जो भी पीस मेरे पास आई है, इस कलर की जो पीस है, तो मैं उसको सारी सिल के रख लूँगी, फिर एक साथ में उसमें बेल्टें लगाऊंगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। मैंने बीच में वीडियोस बनाना बंद कर दिया था क्योंकि मेरा कुछ भी सेट नहीं हो रहा था। मैंने वापस से सिलाई करना चालू करी तो मेरी वीडियोस रुक गई, और मुंबई में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, अभी तो थोड़ा कम हुई है और गए टाइम पे इतनी बारिश हुई है कि सब कुछ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हुआ था। और ये देखिए, मैं आपको बता रही कि मेरा बैक पॉकेट बन गया था। और ये देखिए, ये इस तरह से मैं दिखा रही हूँ कि मैंने सारी काउंट करके जो रखी हुई थी पैंटें, तो उसको मैं पैक कर रही हूँ। ये जाएगी अभी कारखाने,
और फिर ये देखिए अभी ये 11 बजने का बज गया है। तो आज हाफ डे था तो बच्चे लोग भी जल्दी स्कूल से आ गए और इधर आयशा बैठी हुई हैं। तो ये देखिए मैंने सारा पैक करके और मेरा जो सुबह की सिलाई थी वो हो गई और चद्दर विद्दर सारी चेंज हो गई, तो मेरा काम सब हो गया था। तो मैंने नाश्ते में आज बनाई थी, बच्चे लोग जल्दी आ गए थे, तो इडली को मैंने फर्स्ट टाइम घर में इडली बनाई थी और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं रहता है तो इसलिए मैंने सांभर और जो चटनी होती है उसको मैंने इडली वाले भैया से ले लिया था और सिर्फ मैंने इडली बना लिया। इडली का बैटर ऑलरेडी मुंबई में तैयार मिलता है, सिर्फ उसको लाके मुझे इस तरह से बनाना था। और फिर सब बच्चे लोग बैठे थे, इधर आयशा बैठी हैं और बातें भी कर रही हैं, तो अभी सब लोग नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।